नींबू में ये एक चीज मिलाकर लगा लो, हाथों पैरों पर सालों से जमी मैल, टैनिंग एंड कालापन इजिली निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। अक्सर घरेलू कामकाज करने की वजह से हाथों पैरों की जो स्किन है वो डेड हो जाती है, काली पड़ जाती है, जिसकी वजह से हाथों पैरों की स्किन चेहरे के मुकाबले भद्दी दिखने लगती है। आप दूसरों के सामने हाथ मिलाने से कतराते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसी ओर ध्यान देते हुए आज मैं आपके साथ हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग के लिए नींबू के साथ ये रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके हाथों पैरों से सालों से जमी मैल एंड टैनिंग को इजीली निकाल देगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है लेमन, जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। ये फुल विटामिन सी से भरपूर होता है, जो स्किन पर मेल टैनिंग को टिकने नहीं देता। तो लेमन लेने के बाद सेकंड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है व्हाइट कोलगेट, तकरीबन आधा चम्मच के करीब। इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है, जो आपको ब्यूटीफुल स्किन प्रोवाइड करता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने हैंड पर अप्लाई करें, लेग पर अप्लाई करें, यहाँ तक कि आप इसे अपने अंडरआर्म्स एंड घुटनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं डार्कनेस को खत्म करने के लिए। बट ध्यान रहे, आपको इसे अपने फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो अप्लाई करने के बाद आपने इसे लेमन पील की हेल्प से रब करना है 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि स्किन पर सालों से जमी मेल टैनिंग एंड डेड स्किन इजिली निकल जाए। तो 8 से 10 मिनट रब करने के बाद देन वॉश। आई होप कल आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।